हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या आप भी रातों रात बुरा होना चाहते हैं और उसके लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे? आपको सिर्फ लगना है जीरो रुपए, आपको जीरो रुपए लगना है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके किचन में ही वो सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको पहले दिन से ही रिजल्ट पता चलने लगेगा। जो भी आपका स्किन टोन है, आपका जो कलर है, वो खिलकर आएगा, इनहेंस हो जाएगा। जब आप छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे, तो आपका स्किन कलर कैसा था? सेम वैसा ही स्किन कलर वापस मिल सकता है, जो कि आजकल के जो लाइफ है, भाग दौड़ की लाइफ है, उसमें बहुत ज्यादा आप लोग बिजी रहते हो, सभी बिजी रहते हैं, और आप लोगों को टाइम नहीं मिलता अपने स्किन केयर करने के लिए, और आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो कि आपके दिन पे दिन आपके जो स्किन है सांवले होते ही जा रहा है, टैनिंग होता ही जा रहा है, इस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बेस्ट होम रेमेडीज लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आप इसे फॉलो करते हो ना, तो पहले दिन से रिजल्ट देखना, और हफ्ते में 3 दिन तो ये आपको होम रेमेडीज करना ही करना है। अगर आप इसे फॉलो करते हो ना, तो फिर आप देखो आपकी जो स्किन है इतना ज्यादा ग्लो करेगा, और आपकी जो स्किन है ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, अब आपको गूगल पे जाकर सर्च नहीं करना है कि रातों रात गोरा कैसे हो, एक दिन में गोरा करने वाली क्रीम बताओ, क्या हम गोरे हो सकते हैं, ये फलाना ढिमकाना, जो कुछ भी आप सर्च करते हो ना, आप सर्च करने की जरूरत नहीं है, बस बिल्कुल आप सही जगह पे आए हो। और अब होम रेमेडीज देखिए कि क्या करना है, ओके? इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या है, ओके? तो आपको अभी किचन में जाना है और वहां से एक आलू ले लेना है। देखिए मैंने एक आलू ले लिया है, और एक आलू लेने के बाद इसको हम कट कर लेंगे बीस से। फिर ये आलू से अपनी स्किन को रब करेंगे अच्छे से। इस आलू में क्या होता है, आलू हम इसलिए मतलब अपने चेहरे पे लगाते हैं क्योंकि इसमें वो नेचुरल प्रॉपर्टीज है जो कि आपकी स्किन को ब्लीच करता है, आपके स्किन से सन टैन सन बर्न का जो दाग धब्बे है उसको खत्म करता है, आपके कालेपन को खत्म करता है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, इवन ब्राइट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको एक आलू लेना है, तो चलो इसको अपने फेस पे रब करते हैं, और जितना भी आपकी स्किन पे दाग धब्बे है ना, उसको हम धीरे धीरे करके खत्म करेंगे, ठीक है? तो अभी देखो मैं यही होम रेमेडीज करती हूँ, वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, और आप लोग मेरा स्किन देख सकते हो। पहले जाकर देखना पहले का स्किन मेरा कैसा था, और अब देखना अब का स्किन मेरा कैसा है, ठीक है? तो चलो आपको ऐसे मसाज कर लेना है। आलू का जितना भी जूस है उसे बाहर कर लेंगे, अगर ड्राई ड्राई लगेगा ना, तो एक नाइफ के हेल्प से उसे जूसी कर ले वापस से, और फिर रब करें। फिर आप देखना ही पहले दिन से आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपको इसे पूरे फेस पे अप्लाई करें ही करें, साथ ही आप नेक एरिया पे करें और अपने हाथों पे कर ले, इससे आपकी जो मतलब स्किन है वो ब्लीच हो जाएगा अच्छे से, और जो टैनिंग है, जो बहुत टाइम से टैनिंग, जिद्दी से जिद्दी जो टैनिंग आपके चेहरे पे, हैंड पे हो गए हैं, नेक एरिया पे हो गए हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। बस आपको यही दो मतलब कि यही होम रेमेडीज करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसे फॉलो कर लिए ना, फिर आप आकर कहना, फिर आकर आपको जो बोलना है मुझे आप बोलना। अगर अभी भी मैं ये बोल रही हूँ, अभी मेरा चैनल ना आप लोग सब्सक्राइब भी मत करो, चलो रहने दो, सब्सक्राइब मत करो अभी, पहले ये होम रेमेडीज फॉलो करो,
और हफ्ते में 3 बार लगाओ और फिर आप रिजल्ट देख लेना। 1 हफ्ते बाद आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, कमेंट भी कर देना, और अगर ये आपने फॉलो किया है होम रेमेडी तो अपना फोटोग्राफ्स वगैरह मेरे साथ शेयर भी करना इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है मेरा प्रियंका भूमिहार, तो वहां पे मुझे DM कर देना, टैग कर देना, मैं देख लूंगी, ठीक है। एंड उस पोस्ट को मैं अपने स्टोरी पे लगाऊंगी। तो एक तो ये हो गया, आपको आलू पूरे फेस पे अच्छे से रब करना है, इसे मसाज करना है, फिर उसके बाद आप 3 से 3 मिनट तक ना इसे छोड़ दें। फिर 3 मिनट बाद जैसे थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना, तो आप नॉर्मल ठंडे पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले, फिर मैं सेकंड बताती हूँ सेकंड होम रेमेडी करना क्या है, इसके बाद आप क्या लगाना है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 मिनट हो गया है, अब मैं इसे वॉश करके आप लोगों के साथ में मिलती हूँ, फिर सेकंड स्टेप करते हैं कि क्या करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है और एक टॉवल के हेल्प से पानी को डैप कर लेती हूँ मैं। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। ओके, देख लेते हैं कि क्या है। सो आपको एक छोटा सा कटोरी लेना है, उसमें टर्मरिक पाउडर डाल देना है, ठीक है। जो हम चेहरे पे लगाते हैं वो टर्मरिक पाउडर आपको डालने हैं 1 छोटा चम्मच। जब आप ये लगाओ तब भी आप बनाओ, ये नहीं कि आपको बनाकर पहले से ही रख देना है, बिल्कुल नहीं रखना है, जब लगाओ तब बनाओ। ओके, एंड सेकेंड इनग्रीडियंट्स है इसमें जाएगा मिल्क। तो ये मैंने मिल्क ले लिया है, अब मिल्क में डालती हूँ। आपको इसमें ना थिक लेयर नहीं बनाना है, बस आपको थिक लेयर बिल्कुल भी नहीं बनाना, जैसे कि हम फेस पैक लगाते हैं वैसा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बनाए, ये देखो इस तरीके से बनाना है आपको, जूस टाइप, एकदम ज्यादा पानी पानी भी ना बना ले और एकदम ज्यादा गाढ़ा भी ना बना ले, बीच का बनाए, ठीक है। जैसे ये मैंने बनाया है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गया है, फिर देन फिंगर टिप्स के हेल्प से इसे हमें ऐसे मसाज करने हैं दूध और हल्दी के घोल से। बॉयज हो या गर्ल्स हो, ये दोनों के लिए रेमेडीज है। जो भी गोरा होना चाहते हैं और अपने रंग को इनहेंस करना चाहते हैं, अपने सांवले रंग को इनहेंस करना चाहते हैं, तो आप ये जो मैं बता रही हूँ आप वैसे कीजिए, फिर देखिए आपको रिजल्ट कितना बढ़िया मिलता है। आपके चेहरे पे इतना ज्यादा ग्लो आ जाएगा ना कि आप बोलोगे वाओ, पहले मैंने क्यों नहीं किया ये सब। इसे आप अपने पूरे फेस पे, नेक एरिया पे, हाथों पे लगा ले, इसलिए इम्पोर्टेंट है हाथ पे लगाना, गले पे लगाना। चेहरा गोरा हो जाएगा अगर गला सांवला दिखे, हाथ सांवला दिखे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए गले पे भी लगाए और हाथ पे भी लगाए कि इवन टोन रहे स्किन और बॉडी पार्ट, तो अच्छा लगता है, आप लोग समझ रहे होंगे। पूरे फेस पे लग जाएगा ना, आप पूरे फेस पे लगाने के बाद इसको अच्छे से मसाज देना है, ठीक है, फिंगर टिप्स के हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने मसाज कर लिया है 1 मिनट तक, देन उसके बाद इसको हम फुल्ली ड्राई होने तक छोड़ देंगे। फुल्ली ड्राई हो जाएगा फिर हम इसे ठंडे पानी से वॉश करेंगे। ओके, फिर ठंडे, हेलो, वापस से आ गई मैं, और आप लोग देखो ये ड्राई हो गया है, अब मैं वॉश करके आप लोगों से मिलती हूँ और फिर दिखाते हूँ रिजल्ट के कितना बढ़िया आया है। आज, अभी और इसी वक्त से आप लोग ये होम रेमेडीज शुरू कर दोगे, तो चलो मैं इसे वॉश करके दिखाती हूँ। ओके,
सो गाइज, मैंने यहाँ पे पानी से अच्छे से वॉश कर दिया है और टच कर रही हूँ तो मेरा स्किन इतना ज्यादा स्मूथ लग रहा है और आप लोग देख रहे हो कि मेरा स्किन जो है कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, कितना फ्रेश लग रहा है, जो मेरा स्किन टोन है उससे ब्राइट दिख रहा है। तो आप भी ऐसा स्किन चाहते हो तो आज से ही शुरू कर दीजिए। हफ्ते में ये 3 दिन, ये जो मैंने मतलब रेमेडीज बताए हैं, ये हफ्ते में 3 बार जरूर कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। तो पहले मैं ड्राई कर लेती हूँ पानी। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो मेरे स्किन पे चमक देख सकते हो कि कितना बढ़िया आया है। आप लोग भी गोरा होना चाहते हो, अपने सांवले कलर को इनहेंस करना चाहते हो तो आप ये होम रेमेडी जरूर मतलब फॉलो कीजिए। और साथ ही आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आप कहीं भी धूप में जा रहे हो ना तो आप सनस्क्रीन जो है आप लगा कर ही जाओ, ठीक है। ये तो होम रेमेडी आपको करना ही करना है, बट आपको साथ में धूप में जब भी जा रहे हो सनस्क्रीन लगा कर ही जाना है। इससे होगा क्या, आपके मतलब स्किन जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा धूप से और आपकी स्किन पे सन बर्न नहीं आएंगे, सन टेन नहीं आएंगे। इससे होगा कि आपकी जो स्किन है सही रहेगा और होम रेमेडीज भी करोगे तो आपकी स्किन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। अब बचपन में जैसे दिखते थे, जैसे पैदा हुए थे ना, वैसा ही कलर वापस मिल जाएगा आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी मैं ऐसे ऐसे बेहतरीन बेहतरीन होम रेमेडीज लेकर आऊंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके मेरे वीडियोस के थ्रू। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालू ना, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग मेरा वीडियो जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने ऐसे ही किसी अमेजिंग बेहतरीन वीडियोस के साथ में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।